कोई भी युवक, यही कोई भी युवती आकर के फाइल संभाल ले जिसपे अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे, लेकिन आज हालात देखिए, बंगले की बात हो या गाड़ी की बात हो, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है। तौसीफ खान, क्या आपको लगता नहीं है कि जिस राजनीतिक शुचिता की बात आम आदमी पार्टी करती थी उस पर बट्टा लगा है, और हाल फिलहाल में युवाओं के लिहाज से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, चाहे वो बंगले का मामला हो, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, ये जो आरोप लग रहे हैं ये बड़े गंभीर हैं। देखिए, अभी सुभ्राष्टा जी कह रही थी कि संजय जी के गाड़ी बदल गए, उनका घर बदल गया, अरविंद केजरीवाल की यानी कि ठीक है, अगर केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको उनके इनकम टैक्स का डिटेल चाहिए कि उन्होंने कितना इनकम टैक्स पे किया, जो भी उनकी इनकम हुई उस पर उन्होंने टैक्स पे किया या नहीं पे किया। लेकिन यहाँ पे एक्शन कौन ले रहा है? ईडी ले रहा है एक्शन, और ईडी का हम जरा सा रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। 31 मार्च 2022 के पहले तक का जो रिकॉर्ड है उसमें ये देखा जाता है कि जब से ये कानून आया 2002 से लेकर के, इन्होंने लगभग 5,422 केसेस फाइल किए, उनमें केवल 922 केसेस में उन्होंने चार्जशीट फाइल किया और केवल 23 अक्यूज को कन्विक्शन दिलाया। यानी कि देखा यह जाता है कि ये ईडी का रिकॉर्ड ऐसा है कि इनमें इल्जाम लगा देना आसान होता है, लेकिन इल्जाम नहीं है, गिरफ्तारी हुई है और बेल नहीं मिली है कई नेताओं को, आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी हो जाती है। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं गौरव भाटिया, ये तो इलेक्शन मोटिव है, बीजेपी क्योंकि डरी हुई है, सुनिए तो ये सारे अपोजिशन वालों के खिलाफ ईडी लगा देते हैं, सीबीआई कहीं पे लगा देंगे, और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में गिरफ्तार कर रही है लोगों को, आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के नेताओं को पंजाब में गिरफ्तार कर रही है, आम आदमी पार्टी डरी नहीं हुई, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। इलेक्शन तो दिल्ली में भी नहीं है, इलेक्शन दिल्ली में कहां है? आपका टारगेट 2024 है, तो क्या पंजाब में 2024 का चुनाव नहीं होगा लोकसभा का? नहीं, पंजाब आप अपनी बात में फंस रहे हैं। पंजाब में एक्शन किसने लिया? पंजाब में बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है, पंजाब में आम आदमी ने अभी गवर्नमेंट फॉर्म किया है। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद उनका जो प्रॉमिस रहा है दिल्ली के सरकार में भी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, तो पंजाब में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में कार्रवाई हो सकती है, दिल्ली में भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि आम आदमी पार्टी है। पंजाब में कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी सही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी गलत है। 2024 के पहले दिस इज द डबल रोल आई एम टॉकिंग अबाउट, यही डबल स्टैंडर्ड है। सुभ्राष्टा वॉन्ट्स टू मेक अ पॉइंट, फेमस ऑथर, ओके सुभ्राष्टा, लास्ट 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड, गौरव वेलकम टू यू, सुभ्राष्टा 20 सेकंड। जी आमिश जी, मेरा बोलना इससे जरूरी हो गया क्योंकि बात तोड़ मरोड़ कर रखी जा रही है। मैंने नहीं कहा कि इनकम टैक्स सार्वजनिक करें, मैं ये कह रही हूं कि अगर आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं और आपको लगता है कि राजनीतिक कारणों से लगाए जा रहे हैं, तो उसी राजनीति की दुहाई देते हुए कह रही हूं कि आप जनता के मंच के बीच में आइए। जनता में से किसी भी रैंडम युवक युवती को ये होना चाहिए, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो आपका एक एक फाइल खंगाल सके। सिर्फ इनकम की क्यों बात करें हम? चलो चलो, सारी संपत्ति की फाइलें आप खोलिए ना, आप तो राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे थे, इसीलिए सवाल उठा रही हूं, और इसके लिए अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा सुभाष, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, संजय सिंह की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया अरविंद केजरीवाल ने।